जब हम अपनी आइस से देखते हैं तो सन की ऊपर से सिर्फ थ्री लेयर्स ही हम देख सकते हैं जो भी हम टेलीस्कोप्स वगैरह का यूज़ करते हैं देखने के लिए सिर्फ हम ऊपर की थ्री लेयर्स देख सकते हैं और थ्री नॉन विजिबल होती हैं यहाँ पे जो हमारे पास लेयर्स जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वह वा लेयर्स कुछ इस प्रकार हैं या कोर है देन रेडिएटिव जोन या फिर जिसे हम विकिरण जोन कहते हैं और उसके बाद सम मंडल यानी कन्वेक्टिव लेयर सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कोर ऑफ सन तो अगर हम कोर के बने बारे में जाने तो कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती रहती है मतलब कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है जैसा कि हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स के बारे में बात की थी जब हाइड्रोजन हीलियम में 90 परसेंट कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक रेड जैन बन जाता है तो हमारे सन में कोर वो जगह है जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है उसके बाद आता है सन के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है जी हाँ वन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर हमारा सन प्लाज्मा स्टेट में है जैसा कि हमने जाना था फेविकोल ब्लड ये सब हमारे प्लाज्मा स्टेट में होते हैं नाउ वी विल टॉक अबाउट रेडिएटिव जोन यानी विकिरण मंडल मंडल से गामा रे निकलती है मंडल से एक्स रे निकलती है दोनों ही काफ़ी हार्मफुल होती हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल और थर्ड निकलता है फोटोन फोटोन जो कि सोर्स ऑफ सनलाइट होता है जो कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में पढ़ते हैं कि कैसे वहाँ पे फोटॉन्स आते हैं जो सनलाइट होती है उसके एनर्जी पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं और अगर कोई भी एनर्जी पैकेट है तो हम क्वांटा बोलते हैं उसे तो जो फोटोन होते हैं वो हमारे रेडिएटिव जोन में बनते हैं और कन्वेक्टिव जोन या फिर संवहन मंडल में सेल का फॉर्मेशन होता है और अब हम यही डिस्कस करेंगे कि ये सेल होते क्या हैं और कैसे यहाँ से सोलर फ्लेम्स या फिर सौर जो भी हमारे वो सौर ज्वाला निकलती है वो यहाँ से जो हमारे सेल का फॉर्मेशन होता है वहीं से निकलती है और उन्हीं फिनमिन की वजह से हमें सूर्य में धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें हम सोलर स्पॉट भी कहते हैं हिंदी में सौर कलंक कोर जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जी हाँ बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाता है तो यहाँ से सूर्य की लपटे निकलती हैं सौर ज्वाला निकलते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा। उसका कुछ पार्ट होता है जो या जो लेयर होती है कन्वेक्टिव लेयर वो वापस ले लेती है पर कुछ पार्ट होता है जो बाहर निकल जाता है और इसे हम सौर ज्वाला या फिर सोलर फ्लेम से जानते हैं मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है और यहाँ से सौर ज्वाला निकल रही है तो यह सौर ज्वाला जो होती है उसे पृथ्वी अट्रैक्ट करता है अपनी ओर और।, और इस अट्रैक्शन के बाद हमारे पास जो लेयर होती है मैग्नेटिक लेयर वो इनको डाइवर्ट कर देती है तो ये दो भागों में बट जाते हैं एक ऊपर से चला जाता है नर्दर्न हेमस्फेयर के ऊपर से और एक सदर्न हेमस्फेयर के ऊपर से और इसी को कहते हैं हम ऑरोरा इसे भी हम औररा कहते हैं और इसे भी हम और कहते हैं जो पार्ट अर्थ के अपर पार्ट से निकलता है नदर हेमिस के ऊपर से उसे हम कहते हैं और जो नीचे वाले पार्ट से निकलता है उसे हम औररा ऑस्ट्रियोलिस बोलते हैं तो हमने जाना कि कैसे हमारा कोर होता है कोर के बाद हमारे पास होता है रेडिएटिव जोन रेडिएटिव जोन के बाद हमारे पास है थर्ड कन्वेक्टिव लेयर कोर में ज्यादा गर्मी उत्पन्न होने की वजह से यहाँ से सोलर फ्लेम्स निकले निकलेंगी या फिर सौर ज्वाला और कुछ सौर ज्वाला वापस हो जाएगी जिसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे और कुछ सौर ज्वाला सूर्य के वातावरण से बाहर निकल जाएगी सूर्य की अट्रैक्टिव ग्रेविटेशन फोर से बाहर निकल जाएगी और सूर्य उसे बाद में नहीं खींच पाएगा वह अर्थ के कॉन्टैक्ट में जब आती है तो पहले अर्थ उसे अट्रैक्ट करता है देन पास में पहुंचने के बाद जो मैग्नेटोस्फीयर है अर्थ का वह इसे डाइवर्ट कर देता है क्योंकि अर्थ अपने पास कोई भी चीज़ नहीं आने देती है और इसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होता है जो अपर पार्ट से निकल जाता है उसे हम ऑरोरा और बोडियोलिस बोलते हैं और जो नीचे से निकल जाता है उसे हम ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोलते हैं और जो ये सोलर फ्लेम्स निकलती हैं इनका टेम्परेचर सिक्स थाउजेंड डिग्री सेल्सियस होता है आई वॉन्ट टू टेली टेल यू हीयर दैट कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जिन पर सिर्फ ये अंदर जा सकते हैं जी हाँ कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जिसकी वजह से जब पे अगर ये आ जाए तो हमारे अर्थ में एंटर कर जाएंगे और उसी का यूज करके साइंटिस्ट भी अर्थ के अंदर आते हैं जब भी वो अर्थ से बाहर जाते हैं लेकिन क्या हुआ था कल्पना चावला के केस में इसी में दिक्कत हुई थी और इस वजह से कल्पना चावला की डेथ हो गई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे अर्थ का एन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट और ये और के बीच जी अर्थ के इन्वायरमेंट और औररा के बीच एक फ्रिक्शन उत्पन्न होता है और उस फ्रिक्शन को हम विस्लर बोलते हैं यस yes, हम इसे विस्लर बोलते हैं और जब भी ये विस्लर जनरेट होता है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है जो भी वो हमारी नॉर्थ पोल की कंट्रीज है फिर साउथ पोल की जहाँ पे हम मोस्टली ये ऑरोरा देखते हैं तो अब हम इसके बाद जानेंगे सोलर स्पॉट साइकिल के बारे में जो भी हमने अभी डिस्कस किया वो सोलर जो भी कन्वेक्टिव लेयर वह एक पर्टिकुलर एंगल पे निकलते हैं और उसी को हम सोलर स्पॉट साइकिल बोलते हैं जो अब हम जानेंगे सो लेट्स से अगेन ये हमारा कोर है ये हमारा रेडिएटिव जोन और ये हमारा कन्वेक्टिव लेयर जिसे हम सब मंडल बोलते हैं तो यहाँ पे जो हमारे सोलर फ्लेम्स निकल रहे थे जो भी निकल रहे थे बाहर जा रहे थे तो ये पूरे पार्ट से निकलेंगे ऐसे बट एक पर्टिकुलर रेंज है इनकी जीरो टू फोर्टी डिग्री यस yes, यहाँ मान लीजिए फोर्टी डिग्री या जीरो डिग्री सो जीरो टू फोर्टी डिग्री के बीच में ही हमारे हमारा जो भी फिनमुना होता है वो हो सौरज्वला सिर्फ इसी जीरो टू फोर्टी डिग्री के बीच में निकलती है ये स्टार्ट होती है ज़ीरो डिग्री से ज़ीरो डिग्री के बाद ये ऊपर शिफ्ट होता रहता है धीमे धीमे जीरो डिग्री देन सो ऑन एंड सो ऑन और फोर्टी डिग्री तक पहुँचने में फाइव एंड हाफ ईयरस का समय लेती है फाइव पॉइंट फाइव ईयर्स में ये फोर्टी डिग्री पे पहुंच जाती है और उतना ही टाइम भी रहती है फाइव डिग्री फोर्टी डिग्री से जीरो डिग्री में आने में अगेन फाइव पॉइंट फाइव ईयर्स तो जो ये पूरी साइकिल होती है जो जीरो डिग्री से पहले जाना फोर्टी डिग्री पे एंड देन फोर्टी डिग्री से लौट के आना जीरो डिग्री पे इसे हम सोलर स्पॉर्ट साइकिल बोलते हैं सो वी कैन सिंपली से ही हेयर की सोलर स्पॉट साइकिल जो होती है फाइव पॉइंट फाइव प्लस फाइव पॉइंट फाइव यानी इलेवन ईयर्स की होती है और अभी तक साइंटिस्ट ने ट्वेंटी थ्री सोलर स्पॉर्ट साइकिल जो है वो ऑब्जर्व की है यस ट्वेंटी थ्री सोलर स्पॉट साइकिल्स जब से साइंटिस्ट के नजरों में सन आया है उसकी साइकिल्स आई हैं ट्वेंटी थ्री साइकिल्स अभी तक उन्होंने ऑब्जर्व की हैं देर इज वन मोर टर्म ऑफ सोलर इवेंट यस देर इज वन मोर टर्म यस हम सोलर इवेंट कहते हैं इसे और एक सोलर इवेंट में इन वन सोलर इवेंट हम मानते हैं कि 100 सोलर स्पॉट साइकिल्स होती हैं तो जो हमारी पहली सोलर स्पॉट साइकिल होगी इट विल टेक 1100 हंड्रेड ईयर्स टू कम्पीट टू बी कम्प्लीटेड फर्स्ट सोलर इवेंट होने में हमें 1100 हंड्रेड ईयर्स लगेंगे क्योंकि हमारी एक सोलर स्पॉट साइकिल 11 ईयर्स में होती है तो हमारा एक सोलर इवेंट जो कि 100 सोलर स्पॉट साइकिल्स के इक्वल होता है वो होने में 1100 हंड्रेड ईयर्स लगेंगे सो नाउ वी आर डन विथ टूडेज टॉपिक्स एंड वी विल जम्प टू क्वेश्चन बिफोर जंपिंग टू क्वेश्चन पार्ट देर इज वन मोर थिंग लेफ्ट हीयर वी टॉक्ड कि यहाँ से सोलर फ्लेम्स बाहर निकलती हैं और हमने बताया था कि कुछ पार्ट इसका वापस इसमें ही आ जाता है कुछ पार्ट जो सन होता है वो अपने ग्रेविटेशन के जरिए इसे वापस खींच लेता है खींचने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो रह जाते हैं सोलर फ्लेम्स जो नहीं निकल पाती हैं उनका टेम्परेचर लो होता है येस दे हैव लो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर बाकी जो बाहर होते हैं उनका सिक्स थाउजेंड डिग्री सेल्सियस होता है बट जो ये अंदर रह जाते हैं इनका फोर थाउजेंड डिग्री सेल्सियस टू फिफ्टीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता है और इनका लो टेम्परेचर होने की वजह से जब हम इन्हें जब साइंटिस्ट इन्हें पृथ्वी से मीज़ देखते हैं तो यह एक धब्बे जैसे नज़र आते हैं जी हाँ यह एक धब्बे से नजर आते हैं स्पॉट से नज़र आते हैं और इसे ही हम बोलते हैं सोलर स्पॉट या फिर सौर कलंक सो नाउ वी विल जंप टू क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ दिस सेशन ऑफ लेक्चर सिक्स सो टूडे फर्स्ट क्वेश्चन इज सोलर स्पॉट साइकिल डिग्री यानी कौन से डिग्री पे सोलर स्पॉट साइकिल जो भी हमने बात की वो होती है सो so ये जीरो टू फोर्टी डिग्री पे होती है उससे ही सौर कलंक आ, सौर ज्वाला हमारी निकलती है फिर सोलर फ्लेम देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द टेम्परेचर ऑफ कोर वी टॉक दैट कोर का टेम्परेचर डेढ़ सौ लाख डिग्री सेल्सियस है या फिर फिफ्टीन मिलियन डिग्री सेल्सियस थर्ड क्वेश्चन इज फोटॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम विच लेयर सो फोटॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम विकरण मंडल यानी कि रेडिएटिव जोन फोर्थ क्वेश्चन इज नेबुलर हाइपोथिस वॉज गिवन माई सो so, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि नेबुलर हाइपोथेसिस लप्लेस ने दी थी और इमैन्युअल कैंट ने गैसियस थ्योरी दी थी लास्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रॉयड बेल्ट इज प्रेजेंट बिटवीन सो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो हमारी मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू